अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको रेसिपी बताने जा रही हूँ नरगिसी कोफ्ते की। तो ये मैंने 300 ग्राम कीमा ली हूँ, 5 अंडे ली हूँ, बेसन ली हूँ भुना हुआ, और ये कुछ मसाले हैं जो कि यूँ है, ये धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, नमक, चिल्ली फ्लेक्स, और ये कीमे के साथ पीसेंगे इसको। लहसुन 5 से 6 कली और छोटी सी इंच अदरक की, और 2-3 हरी मिर्ची, कांदा, कोथमीर, पुदीना, आधा नींबू, ये मैं पीसूंगी इसके साथ में, कीमे के साथ। चलो आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल दूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा, इसी में कीमा, जाने के बाद में फिर ये बेसन भी इसी के साथ डाल के फिर अब हम एक बार और पीस लेंगे, अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, मैं अभी हरा धनिया काट के मैं डाल रही हूँ, टेस्ट अच्छा आता है। पीसने में भी मैंने डाला था, अभी इसमें भी मैं डाल रही हूँ, आप देख लो। एक बार इसको मैं अच्छी तरह से हरा धनिया डाल के मिक्स कर लेती हूँ, फिर इसको अंडा डाल के इसको तल लेंगे। क्या है? मरगी से कोफ्ते। हाथ में क्या है? ये अभी कीमा है। तेल तेल मैंने इसलिए लिया है कि ताकि अच्छे से उसको लग सके, चिपक जाए। ये इसको अच्छी तरह से, ये टूटेगा नहीं, तलने में भी नहीं टूटेगा, ये ऐसे ही रहेगा। मैं तेल लेके कर रही हूँ ताकि कहीं से भी निकले नहीं।
ये चलो बन गए अभी हमारे कोफ्ते। अभी हम लोग इसको फ्राई करेंगे। ये डाल देते मिक्स लहर माने रही। चलो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, अब मैं तेल डालती हूँ, आप लोगों को फ्राई करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान। ये सारे कोफ्ते अभी मैंने ये डाली हूँ कोफ्ता, अभी आपको फ्राई करके अच्छी तरह से निकाल। सब भी डालो ना एक साथ? नहीं, एक एक करके तलेंगे, क्योंकि फिर इकट्ठे डालेंगे तो फिर पलटाने के लिए टूट जाएंगे। इसको अच्छी तरह से धीमे आंच पे इसको फ्राई करना है, इसके लिए इकट्ठा नहीं डालेंगे। कढ़ाई छोटी है ना, ठीक है, बताती हूँ। फ्राई अच्छी तरह से डालते टाइम पे फास्ट करने का, फिर धीरे धीरे स्लो करके उसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन निकाल देंगे। ये फ्राई हो चुका है, कोफ्ते फ्राई मैंने कर लिया। अभी इसका जो मसाला मैं तैयार करने वाली ग्रेवी, वो आपको इसका मसाला मैं बताती हूँ, ठीक है। ये प्याज है बड़े 3 कांदे, ठीक है, और उसमें ये काजू जाएंगे 12 से 15, थोड़े तिल जाएंगे, और थोड़ी खसखस, और थोड़े गरम मसाले बघार के लिए धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक, अदरक लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट, दही, टमाटर की प्यूरी, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, इसी में कांदा लाल कर लेंगे, यही तेल में अभी हम कांदा लाल करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कांदा हम तल के खाली निकाल लेंगे, उसके बाद में इसको काजू के साथ में पीस के ले लेंगे फाइन करके, के बाद में हम पूरा मसाला कैसे कैसे आपको डालेंगे फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। ये कांदा फ्राई हो रहा है, ये लाल करके जैसा बिरिस्ता कैसा बनाते हैं उस तरह से इसको बना के इसको फाइन करके पीस लेंगे, ठीक है। तेल बहुत ज़्यादा था, मैंने अभी थोड़ा तेल इसमें से कम कर दी, और अभी ये बिरिस्ता तैयार हो गया है। इसको काजू डाल के इसको पीस लेंगे, काजू हल्का लाल हो जाएगा, इसके बाद इसको पीस के फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दे रही हूँ क्या डालना है, क्या कैसा इसकी ग्रेवी तैयार होगी, ठीक है। चलो, प्याज तैयार हो गई है, रिश्ता तैयार हो गया है, इसको निकाल लेते हैं। अभी इसमें काजू भी मैंने डाल दिया है, और ये खसखस भी इसमें साथ में पीसना है, और ये तिल भी, खसखस, तिल, काजू और ये बिरिस्ता साथ में इसको पीस लेंगे। डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, तो अच्छे से भुनेंगे।
में मैं आपको बता दूंगा। ये अदरक लहसुन को थोड़ा सा भूना है, ये अदरक लहसुन थोड़ा भून गया है, इसके अंदर ये सारे सूखे मसाले डालेंगे। इसको भी अच्छी तरह भूनेंगे। लहसुन और सारे मसाले मैंने अच्छी तरह से भून लिया हूँ और अभी ये टमाटर को भी डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक टमाटर अच्छी तरह से भून नहीं जाए। इसलिए मैं आपको बता दूँ कैसे क्या करना है। इसको अच्छी तरह से भूनने देंगे लहसुन। आप मसाला मैंने 20 से 25 मिनट तक का भून चुकी, अभी इसमें तेल छोड़ चुका है, ये अच्छी तरह से भून गया मसाला। इसमें मैं भी थोड़ा सा दही डालूंगी 2 चम्मच। इस तरह से ये तेल छूटेगा तो मसाला अच्छा बनाइए। दही डाल के थोड़ा टाइम भूनूंगी। अभी ये इसका जो पीसे थे काजू और पिस्ता, खसखस और तिल, ये सब इसमें डाल के अच्छे तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ग्रेवी के लिए। जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना आप लोग कर सकते हैं। मसाला भून ली और मेरे को इतनी ग्रेवी मैंने कर ली। अभी 5 मिनट इसको पकने देंगे, फिर उसके बाद में इसमें कोफ्ता डालेंगे। ठीक है, ग्रेवी तैयार हो गई। अभी इसमें कोफ्ता डालते हैं। इसको 2 मिनट सिर्फ उबाल आने देंगे, 2 मिनट सिर्फ। बस 2 मिनट के बाद में इसको डिश आउट कर। सालन रेडी हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। बिस्मिल्लाह मान रही कोफ्ते तैयार हो गए। रेडी शॉट कर मेरे नरगी से कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप मैंने इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह आपको फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।